अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज के मेहमान में अवां सभी के भलीकार। जी तो हर हफ्ते असन के प्रोग्राम में सियासी और समाजी शख्सियत अवां जी नज़र होंदी है, उए ही अज असा लाड़काने जी एकड़ी खूबसूरत नाले वाली शख्सियत गड है, जिनको तारीफ़ यकीनन अवां सभी के नज़र होंद। सो असा अज गड सरदार खान बहादुर मोहम्मद नवाज शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब अवां के भलीकार पे क्यों पाने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच शेख साहब। अवां इन प्रोग्राम में अज वेठा हो, यकीन तां काफी क्या होंदा, पर ही प्रोग्राम जो अवां जी जिंदगी जे हवाले से ही कर रहे हूं जी। सरदार साहब, अवां जी पैदाइश जकी आ केड़े साल में आ किथे थी? मुझे पैदाइश 1979 में थी कराची में। अच्छा। उन खां पो पैदाइश खां पो बचपन जा दीह मां कराची भी गुजारिया, लाड़काने शहर भी गुजारिया, गोठ भी गुजारिया, तमाम एक खूबसूरत बचपन हुयो। मां मुझे वालिद साहब फैमिली में सबन को वडो, उन पहली औलाद हुयो मां फैमिली जी। माशाल्लाह मुझा मरहूम चाचा उहे मां एकड़ो उन्हनि जे लाइ हथन जो एकड़ो गुडो हुयुम, पंहिंजी पुफियुनि जे लाइ बि, पंहिंजे चाचा जे लाइ बि तमामु घणो मूंखे प्यारु मिलियो। अच्छा, जी खड़ी चाहे जी लाडलो बार कोई होता है लाडलो बार जी एक कोई हम और डाडो अन्या जे पासो मुझे चाचन जी जे पासो शादी कोन थी अन्या के सोट के जे पासो ब्या जे पुफाट अन्या जे पासो कोन होया त एक चल जी पासो यो गोल्डन चाइल्ड। बिल्कुल। सो तमाम सुठी लाइफ गुजारम। ओ बाबा के यो शौक हो, बाबा के पांजो यो शौक हो, बाबा आर्मी में वणण चाहे पे पकिन वजूआत जे करे आर्मी जॉइन न कर सके बाबा। वो बाबा मांखे मोकलियो इब्तदाई तालीम लाए लाहौर में एक कॉलेज आ HSN कॉलेज, उते KG में मुझे एडमिशन कराएं। अच्छा, लाहौर खां ता KG जी स्टार्टिंग कई जी 84 में। अच्छा जी, उते उतो ए लेवल्स क्या से 98 तई मुझे उते थी तालीम, ए लेवल्स मां उतो कयो, उतो वो भी असा जो जिंदगी जो मुझो तमाम एक शानदार एकड़ो एक्सपीरियंस रहयो। ए स्पोर्ट्स गेम्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पीचिस मुशायरा एजुकेशन के हवाले से तमाम सुठो एक एक्सपीरियंस रो जो इन काबिल कर दुनिया के असं फेस कर सकूँ। इंडिपेंडेंट एक ब्रॉटअप थो। बिल्कुल। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, मां वालदेन जो शुक्रगुजार आया। बिल्कुल। शुरू में तो लगंदो त शायद माँ पी के प्यारा ना जो असा के हॉस्टल मोकलो अथन जी जी जी, लेकिन लेटर इंसान जिंदगी में रियलाइज कह यो वालदेन जहाँ जो डिसीजन हूँ पाँगी औलाद के लिए वह तमाम मुस्बत हूँ, वह बेहतर असा के लिए सोचे गुड फॉर जी जी जी। अच्छा शेख साहब, अवां जी KG जी तालीम उतां खां स्टार्ट कई, त केतिरे टाइम ताईं तव्हां रहियो, मतलबु केतिरी तालीम अवां लाहौर ताईं मतलबु रखी कंटिन्यू? इहो तक़रीबन 14 सालनि जो हिकिड़ो एक्सपीरियंस हुयो। KG खां वठी ए लेवल्स हूअं इंटरमीडिएट थींदी आहे क्लास 12 ताईं, ए लेवल्स थींदी आहे क्लास 13 ताईं, उन ताईं अवां उते जी 98 ताईं। उहो 2 साल मां तालीम पढ़ाई न कई, 14 साल तकरीबन उमिरि कैद जी सज़ा हूंदी आहे। बिल्कुल बिल्कुल, जेसिताईं समझ में अचे। जी जी जी, पोइ 2 साल असां जेके दोस्त पूरे पाकिस्तान जा दोस्त हुते गॾु हुयासीं, पोइ असां दोस्त हिक ॿिए सां गॾु जेको आहे सो असां टाइम गुज़ारियोसीं। कॾहिं पाराचिनार बि वञूं पिया, कॾहिं स्वात पिया घुमूं, कॾहिं कुहाट पिया घुमूं, कॾहिं पंजाब जा मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा पिया घुमूं, कॾहिं वरी दोस्त माॾे पिया अचनि। सो इहो कॾहिं वरी असां दोस्त प्लान करे करे फॉरन कंट्रीज़ बि वञूं पिया। सो तमामु हिकिड़ो सुठो एक्सपीरियंस हुयो। 2000 में मां पोइ डर्बीशायर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में मां अप्लाई कयो, ऐं उते मां BBA ऑनर्स कई मां, ऐं 5 साल जो उहो टेन्योर हुयो। ऐं मां पोइ MBA उतां कयो, मां मेजर मां कयो फाइनेंस में, स्पेशलाइज़ेशन मां कई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गनाइजेशनल डिवेलपमेंट। उन खां पोइ मुझे फर्दर इहो पंहिंजो इरादो हुयो त मां वञी करे ऑस्ट्रेलिया में फर्दर स्टडीज़ कयां या का जॉब वग़ैरह कयां। ज़मींदारी ऐं इहे जेको असांजो क़बाइली सिस्टम जेको आहे उन सां एतिरो ख़बर हुई, पर ज़ाहिरु आहे इंसान जो हिकिड़ो ब्रॉटअप हिकिड़े अहिड़े माहौल में थिए थो जेको थोरो चेंज थो हुजे। बिल्कुलु बिल्कुलु। त पोइ इहो थींदो आहे त
मानू जो ख्यालत भी वरी मर्जी जी सरदार साहब जी एचसन कॉलेज में रहा काफ़ी उतरे अड़ा दोस्त हूँ जी अज भी अव याद हुजन जी मतलब के वेझा रहा हुजन उन हवा से कुछ बुझाजो अस हाँ दोस्त तो दोस्त अड़ो रस्त रो जो अस फैमिली को परे अस टाइम गुजारियोंसे अस फैमिली को क्लोज थे दोस्त घट भायर बिल्कुल और उनकी को शुमार नाल जो शुरू कस तुम सो प्रोग्राम उन दोस्त के नाल मर्जी वो सो अल्लाह सभी के खुश रखे भायर जरा दोस्त और दह दह पंद्रह पंद्रह साल का वीह वीह साल का भी अस मिला आयो तो ये लगन जन अस कल जो गए सो मतलब काफ़ी अड़ा शरारत से भरल जिंदगी शरारत एक ख्वाबी कैफियत जो अस हाँ सोचिंद कड़ो टाइम हो ख्वाब जड़ी कैफियत है अच्छा जी सरदार साहब अव गुजारे एचसन कॉलेज में के अड़ा भी लम्हा हूँ जैसे मूँ मतलब विसारे नी नजदीक हर टाइम जहन में मतलब हल्दा ही रहा हाँ उनमें नवे सैकड़ों तो अड़ा लम्हा जो शरारतों से भरल है कुछ लम्हा कुछ जज्बाती लम्हा भी हुआ असाज उत कॉलेज में मुख्तलिफ़ हाउसेस हूँ उनमें वही कॉम्पिटिशन उनमें किन कॉम्पिटिशन में तुम विन कह किन कॉम्पिटिशन में लूज कह सो वो जैमल तुम लूज कह कलेक्टिव एक सो उदासी होंगी सजे ग्रुप की सजे हाउस की वे कहीं तुम विन कह कलेक्टिव खुशी होंगी एंथुजियाज़म हों लम्हा तो तमाम खूबसूरत लम्हा अड़ो भी को माहौल रो जो हर टाइम अट्रैक्ट कुख जो माहौल रो कॉलेज वाले टाइम में दुख जो उन मल एक बादशाही जिंदगी बिल्कुल दुख को शुरू में शुरू जहाँ ढी असा अड़ा हूँ जैमल अस शुरू बटे साल क्लास टू थ्री फोर तई छुट्टी खत्म थी तो दुख थी अस यार हाँ वही कॉलेज वनो पव माँ पी को परे आहिस्ता आहिस्ता पक्का थी तो जून जुलाई ऑगस्ट की टिन महीन की छुट्टी थन्दी चंदा बस छुट्टी खत्म थियन तो कॉलेज वनूँ तो उगो वो अस सेकेंड होम अस थो घर असो थो सेकेंड होम ए हॉस्टल थी अस फर्स्ट होम जी जो घड़ो टाइम स्पेंड उत जी 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 अच्छा एसन का जैसे अलविदा कर आउट ऑफ कंट्री वह उत कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी जाहिर सी गल हूँ जी जी उनमें अड़ा दोस्त जी शरारती हुजन उन कुछ बुझे जी आउट ऑफ कंट्री को शरारती न अच्छा बाकी कुछ दोस्त हुआ कराची जो कुछ दोस्त हुआ पाकिस्तान जहाँ कुछ लाहौर जहाँ भी दोस्त हुआ जो नॉन एचिसोनियम्स हुआ कुछ इस्लामाबाद जहाँ फ्रेंड्स हुआ पाकिस्तान जहाँ काफ़ी फ्रेंड्स हुआ जैसे एचिसन कॉलेज हुआ से तो एचिसन कॉलेज में अस हॉर्स राइडिंग भी कदा से फुटबॉल भी खेलता से इंग्लैंड में स्पोर्ट्स के हवाले से हॉर्स राइडिंग फुटबॉल तो उन नेशनल गेम है क्रिकेट भी आए क्रिकेट फुटबॉल अच्छा अवां जी केडी गेम रही जे में अवां वधिक इंटरेस्ट वठो है एकडी मतलब मजो भी ताके दिंदी हुजी गेम एडी कोई मां बेसिकली फुटबॉल प्लेयर हूं अच्छा फुटबॉल प्लेयर हूं बाकी कॉलेज का कलर्स भी आउट परफॉर्मेंस जेको थिंदो आ मानु कंदो आ वो फुटबॉल में मांके मिलया वो तो गेम्स मां क्रिकेट का सवा मां सब गेम्स खेलना पियो अच्छा सरदार साहब जी तो अवां चयो तो हर गेम अवां जी पसंदीदा रही छा सबब हो जो क्रिकेट का अवां अलगदगी अख्तियार कई मतलब छा इंटरेस्ट में हुई उनमें या ता पाणे ही मतलब को सबब हो एक्चुअली चाहे तो क्रिकेट खेल जो मांके शौक तो घणो हो क्रिकेट खेली थे भी सही पर क्रिकेट में जिका स्टूडेंट्स जी तादाद जिका यो तमाम घणी सो मां चंदो बाबा ठीक है थोड़ो एतरे क्राउड में का बी का गेम ने सब्स्टिट्यूट गोल जे पर ये हाउस में कहीं अस खेलासे तो ये रफ क्रिकेट जी थी प्रॉपर जो पिच वाली क्रिकेट मांके खेलन आई मांके तो बैट पकड़न भी नहीं एक दफा दोस्तन मांके टीम में असा सिलेक्ट कराए और फर्स्ट टाइम मां जो पिच से बीठुम तो शॉर्ट मां एकड़े पासे हई भरण की कोशिश कई बॉल बे पासे हले वो और मां रन भी किया और फोर रन्स भी थी असा मिली बाउंड्री मिली नेक्स्ट बॉल से मां आउट थी
त एतिरो कंहिं बि जेको आहे सो माना कंहिं प्लेयर जे लाइ एतिरी माना उन्हनि ताड़ियूं ऐं जेको आहे सो जीअं स्टैंडिंग ओवेशन ऐं अपलॉस न थियो जेतिरो मुंहिंजे लाइ थियो, एप्रिशिएट कयो वियो त नॉन क्रिकेट प्लेयर माना इहो कमु कयो त ॾाढो हिकिड़ो सुठो हिकिड़ो अदा इतफ़ाक़ हुयो नालो डबीशाह यूनिवर्सिटी आहे, डबीशाह काउंटी आहे इंग्लैंड जी, उतां जी यूनिवर्सिटी आहे। तमामु वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस कैंपस, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस फैकल्टी, सुठो एक्सपीरियंस हुयो। असां मूंखे त को अहिड़ी प्रॉब्लम न थी, छो जो तव्हां जॾहिं महिल एच एस एन जहिड़े हिकिड़े हॉर्स राइडिंग हूंदी, उते ई फुटबॉल हूंदी, उते बि मां सुपर स्टार हुयुमि। मौक़ो मिलियो त असां बि जेको इंजॉय कयोसीं हुन शइ खे। सो टीम रिप्रेजेंटेशन बि उते असां कईसीं, उते बि ॿिया मैचिस थींदा, हॉर्स जंपिंग थींदी या टेंट पैकिंग थींदी, उहे असां उहो बि कयासीं। फुटबॉल मैचिस बि थिया त उहो सरप्राइज़ थींदा अंग्रेज़ बि त पाकिस्तान जो हिकिड़ो अहिड़ो प्लेयर आहे जेको फुटबॉल असांखां बि सुठी थो खेॾे। सो सुठा लमा सरदार साहब, जीअं अवां डर्बी शहर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में रहिया, उते केतिरी अवां जी एजुकेशन रही? पहिरियां त मां पहिरियां टे साल ऑनर्स कयुमि, बी बी ऑनर्स, उहो मां उन में मुंहिंजो मेजर मैनेजमेंट हुयो। पोइ एम बी ए कयुमि, उन में मेजर मुंहिंजो फाइनेंस हुयो। स्पेशलाइज़ेशन मां कई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गनाइज़ेशनल डिवेलपमेंट। उनखां पोइ मुंहिंजे इहे प्लान्स हुया त मां ऑस्ट्रेलिया वञां, छो जो हे फ्यूडल बैकग्राउंड, इहो असांजो ट्राइबल सिस्टम, इन ख़बर त हुई, छो जो बचपन में मां जॾहिं बि छुटियूं थींदियूं मां समर्स में ईंदो हुउमि त बाबा इते हूंदो हुओ लाड़काणे, इहे ज़मीनदार आहियूं असां, वॾनि जी अलाह जी ज़मीन आहे, वॾनि जी मिल्कियतूं। सो पोइ मां जून जुलाई ऑगस्ट में इते ईंदो हुउमि, बाबा इते हूंदो, ॿिज भाण रोमत जी मुंद, बाबा मूंखे ॻोठु मोकिलींदो, ॻोठु वेंदो हुउमि, स्विमिंग त ईंदी, पोइ इहो ॻोठ में कुंभनि में विझणु, गॾु गाॾनि ते शरारतूं करणु, सौ पंजाह छोकिरो जेको आहे सो गॾु, पोइ पलाल जी ॿिंडनि ते टपा, कंहिंजा कबूतर खणा, कंहिंजा सेर खणा, मतिलबु हा ॾाढो ॾाढो ज़बरदस्तु सुठो टाइम गुज़ारियोसीं। सो उनजो हा उनजो त हिकिड़ो आइडिया हुई, पर ज़ाहिर तव्हां हिकिड़ो टाइम तव्हां एजुकेशन जे हवाले सां तव्हां अब्रॉड गुज़ारियो था त वरी तव्हांजा प्लान्स माण्हू जा चेंज थींदा आहिनि, लॉन्ग टाइम थी थो वञे। त मां प्लान हुया त मां ऑस्ट्रेलिया वञा, बाबा चयो हाणे गंज थियो, हाणे प्लीज़ कम बैक, अचो ज़मीनदारी संभालियो ऐं ज़िमेदारियूं संभालियो। असां लाड़काणे मोटी आयासीं 2006 जे फेबररी में, मां लाड़काणे खे अस्सलामु अलैकुम चयो ऐं विलायत खे ख़ुदा हाफ़िज़ कयुमि। नज़रनि हलूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक जे तरफ़, असां सां गॾु ई रहिजो, वरी ईंदासीं वापसि प्रोग्राम में। भलीकार कयूं था अव्हांखे ॿीहर प्रोग्राम अचण जे लाइ, त असां सां गॾु आहिनि सरदार साहिबु, हलूं था सरदार साहिब जे तरफ़ ऐं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो अॻिते वधायूं था। जी सरदार साहिबु, जॾहिं अव्हां विलायत खे अलविदा करे ऐं लाटकाणे पाकिस्तान में अची विया, त उते अव्हां जूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ रहियूं ऐं ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हाणे अव्हां पॉलिटिशियंस में बि हलो पिया, पॉलिटिकल ग्राउंड में अव्हां अची विया, उनजे हवाले सां कुझु ॿुधाइजो। ज़ाहिर आहे असां लाटकाणे तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो पॉलिटिकल हब रहियो आहे 70s खां वठी करे 60s खां वठी करे, इनफैक्ट अयूब ख़ान जे दौर खां वठी करे, ऐं लाड़काणे जी पंहिंजी हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी जेको आहे सो तवील हिकिड़ी तारीख़ रही आहे। सियासी हवाले सां असांजो असांजी फैमिली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा फाउंडर मेंबर्स रहिया आहिनि। मुंहिंजो ग्रैंड फादर जो वॾो भाउ मोहम्मद नवाज़ ख़ान, मुंहिंजो नालो उन्हनि जे नाले ते रखियो वियो आहे। उन्हनि 1938 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी मां लॉ कई, लिंकन ज़िन मां इंग्लैंड मां जितां क़ाइदे आज़म लॉ कई, उतां उन्हनि बैरिस्टर उतां थिया। एंड असांजा भुट्टो साहब सां
सां त रस्ता असांजा हुया, पर शाहनवाज़ भुट्टो, सर शाहनवाज़ भुट्टो खां वठी करे असांजा वॾनि जा रस्ता हुया। त भुट्टो साहब सां असांजी हिकिड़ी फैमिली असांजा मरासिम हुया। सो फाउंडर मेंबर जी हैसियत सां असां पीपल्स पार्टी जंहिं महिल ठही त असां जॉइन कईसीं, जेका कंटिन्यू हलंदी आई, जेका असां ज़िया जे मार्शल लॉ में बि न छॾीसीं, जेका मुशरफ जे मार्शल लॉ में बि न छॾीसीं। असां पीपल्स पार्टी मोह आहियूं, पीपल्स पार्टी असां मोह आहे, असां हिकिड़ो जनरेशन असांजी हलंदी आई आहे। बिल्कुलु। सो पीपल्स पार्टी कंटिन्यू कईसीं। मोहतरमा जी शहादत उन हिकिड़ो मुंहिंजी लाइफ जे अंदरि हिकिड़ो टर्न आंदो, ऐं मां जज़्बाती थी वियुमि। मां छा बल्कि सॼो पाकिस्तान, दुनिया जज़्बाती थी वई। हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो शौक मिलियो सभिनि खे, हिकिड़ो माना दिलि ख़राश हिकिड़ो वाक़ियो थियो, हिकिड़ो जेको हिन महिल बि असां सोचूं था त दिलि भरिजी थी अचे। सो ज़ाहिर आहे हिकिड़ी माण्हू खे फ्रस्ट्रेशन थिए थी, माण्हू मां कंहिंजो दुकानु या कंहिंजी ॿी का अमलाक या कंहिंखे नुक़सान त न पियो पुॼाए सघां, जिन माण्हुनि रिएक्शन पंहिंजो कयो, शहरनि जा शहर सड़ी विया। बिल्कुलु। माण्हुनि पंहिंजी हिकिड़ी जेको आहे सो माना हिकिड़ो गुसो ग़म जो इज़हार कयो। मां पंहिंजे ग़म गुस्से जो इज़हार मोहतरमा जी तस्वीरुनि सां, मोहतरमा जे हिकिड़े छा तसवर सां तसवर खणी करे मां उनखे अॻिते वधायो। असांजो हिकिड़ो दोस्त आहे, उनजो वॾो भाउ रियाज़ मंगी, उहो हिकिड़ो आर्टिस्ट आहे, मुंहिंजो बि वॾो भाउ आहे। मां उनखे चयो था तव्हां मूंखे कुझु मूंखे तव्हां कोई अहिड़ी का शइ मूंखे ठाहे ॾियो जंहिंखे मां नुमाया करे सघां, जेका मोहतरमा जी यादि खे ज़िंदा रखी सघे। सो उन मूंखे जेको आहे सो मोहतरमा जो हिकिड़ो खिलंदड़ फ़ोटो जंहिंमें चौधारी तीरनि जो हिकिड़ी माला ठहियल आहे, उहा मूंखे हुन गिफ्ट कई ऐं मुंहिंजे हवाले कयईं त बाबा हे हाणे तुंहिंजी आहे अमानत, हे मुंहिंजी मां अमानत तोखे मां ॾियां थो। सो तव्हां मुंहिंजी जेका बि तस्वीरूं ॾिसंदव मोहतरमा जे हवाले सां या को बि असांजो इवेंट थिए थो, पोलिटिकल भुट्टे साहिब जी वर्सी थी थिए या मोहतरमा जी वर्सी थी थिए या को बि पार्टी जो इवेंट थिए थो, त उहो को बि स्टिकर, को बि पेनफ्लेक्स, को बि पैम्फलेट जेको मां ठाहिरायां थो, उहो मोहतरमा जे तीरनि वारी माला खां बग़ैर इनकम्प्लीट आहे। सो उहा मुंहिंजी बि रिकग्निशन आहे ऐं माण्हुनि खे बि वणे थी ॻाल्हि ऐं उहा मोहतरमा जी यादि ज़िंदा बि रहे थी। सो सियासत में इहा असांजो जेको आहे सो एक्टिव मां ईअं थियुमि, मोहतरमा जे विजन खे अॻिते हलाइणो आहे। जी सरदार साहब, जॾहिं अवां लाटकण में पहुता हुआ ऐं हिकिड़ी ब्रेकआउट थी त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे शहीद कयो वियो, अवांजी हुन टाइम कहिड़ी कैफ़त हुई ऐं अवां छा महसूसु करे रहिया हो जॾहिं अवांजे कननि ताईं इहा ख़बर पई त मोहतरमा खे शहीद कयो वियो? मां एक्चुअली ॻोठु हुयुमि, मां हुते ॿनिनि ते वियुमि, बटायूं पई हलनि ऐं शाम जो टाइम हुयो। मां लाड़काणे में कंबर खां लाड़काणे में मां जीअं एंटर थियुमि, मुंहिंजे ख़्याल ग़ालिबनि उहो टाइम हुयो शायदि जिते मोहतरमा खे शहीद कयो वियो। पर ज़ाहिर आहे मां गाॾी में हुयुमि, मोटी लाड़काणे पियो अचां, जीअं लाड़काणे जे अंदरि मां एंटर थियुमि त मूंखे बि सॼे ॾींहं जो थकु, मां शायदि मां घणो थकियल आहियां या माण्हू जेको आहे सो अफ़रा तफ़री जो माहौल हुयो, मूंखे सम्झ में न आई ॻाल्हि छा आहे, छो माण्हू परेशान थिया आहिनि, छो आख़िर ॻाल्हि छा आहे। मां जीअं घर पहुतुमि, गाॾी में लथुमि त मुलाज़िम ॿुधायो मूंखे, साईं मोहतरमा शहीद थी वई। चाबियूं मुंहिंजे हथ में किरी पियूं, मां वञी करे मां टीवी ऑन कयो, हुनखे बि मां घटि वधि ॻाल्हायो त कहिड़ी बकवास थो करे तूं, चई साईं मोहतरमा शहीद थी वई। मां वञी करे टीवी ऑन कई त न्यूज़ हले पई, पर न्यूज़ में इहो उमेद रखूं पिया, आसरो कयूं पिया त मुमकिन आहे तौरु त इहा दुआ पिया कयूं त अलाह कंदो इनशा, इहो
सदमो बर्दाश्त न कर सकंदे अल्लाह कह इनशाला जो सो थी पर मोहतरमा शहीद थी चुकी उनका को ख्याल जहन में नो अचे तो बी का गाल जहन में शौक की कैफियत आई सो मतलब ही एकड़ो एड़ो अलमे हो जदे हर इंसान जी दिल रुनी पे हर अख वो बदनसीब हुई जैसे गोड़ो न गाड़ो मोहतरमा जी न सिर्फ आवाम ते पर हर दिल में जे अपोजिशन वा उन्होंने भी जहन से राज कर दिलन से राज कर मोहतरमा रानी हुई जी। मतलब तीन अड़ी कैफियत थी वही जो नाकाबिले बर्दाश्त सरदार साहब गाल सिलसिलो अगत इन ही पॉइंट के अगत कंटिन्यू कह हलूँ नंबी ब्रेक की तरफ Thank you. वेलकम बैक नाजरीन असद साहब मौजूद हैं सरदार खान बहादुर मोहम्मद नवाज शेख साहब सरदार साहब अवां जी बुधायो तो हिस्ट्री रही है पॉलिटिक्स में एकड़ो एड़ो ख्याल रो जो मतलब काथो लगन तमाम दुख छो जो पुराने टाइम का वी एडा क्राइसिस भी गुजरिया पार्टीज के अंदर को भी अव पार्टी के कदें न छो नई पार्टी अवं के छो हाँ जी मौजूदा सूरत हाल ऐसो पे मोहतरमा के वन का बाद में अवं के फर्क कड़ो नजर पे अचे मोहतरमा की जो सो इन में पार्टी के हवा से उ पार्टी जैसे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के हैंडओवर कई वही हाँ बिलावल साहब के पॉलिटिशियन के क्या पे ऐसो एक्चुअली ऐसो मोहतरमा पे तो पीपल्स पार्टी एकड़ी अड़ी पार्टी आ जिन तकलीफू जुल्म आजमाइशू बर्दाश्त कर ये जुल्म ये तकलीफू ये आजमाइशू पीपल्स पार्टी की कयादत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहेबा को चेयरमैन आसिफ अली सरदारी साहब ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब उन्हें ये तकलीफू बर्दाश्त क्यों सिर्फ इन खातिर आवाम जेका गरीब जेको मुतवसत तबको आ जेके आवाम जिनके खल्क जिनके सो महरूमी हुए उन्होंने उन्होंने आवाज़ बढ़जण के लिए उन्होंने लाए जो सहूलत और जिंदगी की आसाइश रोजगार जो मवाक पैदा करण की इन जिदोजहद में पार्टी कयादत तमाम घड़ी तकलीफ बर्दाश्त कई पे तकलीफ तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टे साहब की शहादत उनखां पोइ एकड़ो ख्याल पयो जेको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अची करे फिल कयो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत खां पोइ वरी एकड़ो सदमो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करन के सजे सिंध के सजे पाकिस्तान के बल्कि सजे दुनिया आलम में जो शौक पो पर असाजी सियासी जो असो माहौल हो पीपल्स पार्टी के हवा से उनमें जो खलाड़ो पैदा थो खाल जो पैदा थो वो पुर कर इम्पॉसिबल आ पर को चेयरमैन आसिफ अली सरदारी साहब उन जिम्मेदारियों के कुलो दई करे संभाले उनके अगते बधायन छो जो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब भी उम्र में नंढो हो तालीम तो हासिल करे पर आसिफ सरदारी साहब वो वक्त वो गुजारे आवाम के वर्करन के क़यादत के अगवाणन के वो मुतहद रखी करे वो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब चेयरमैन साहब के हैंडओवर की हे जेका बाय इलेक्शन पी एस 11 में जेका थे थी यो अल्लाह की तरफ असा मौको मिलल और असा चाहूँ था तो असा पाँच गलतियों को सुधारो कर आवाम की खिदमत क्यों चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब वो भी माना
कोशां भी आ ख्वाहिशमंद भी आजे तक के लिए पांजे तक के आवाम के लिए उ हर सहूलत मुहैया क्या जहाँ उन्होंने जरूरत में आए बल्कि शायद उनको घणो करना चाहे तो हाँ उन असो कैंडिडेट जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब नॉमिनेट किया जमील अहमद सुमरो साहब वो लाड़काने जो रहवासी आ लाड़काने में उनकी पैदाइश थी लाड़काने में उनकी परवरिश थी लाड़काने में यो पढ़ो आ लाड़काने की घिटिन को वाकिफ लाड़काने शहर के माहौल को वाकिफ उन दिल में भी मां दिसंदो आ लाड़काने की तकलीफू लाड़काने की जो दिसंदो आ मसाइल उन परेशान हों बिलावल भुट्टो सरदारी साहब एक तमाम सुनो डिसीजन वरतो तो जमील अहमद सुमरो साहब के नॉमिनेट कर असा कोशा आयो अस मेहनत क्यों था वर्कर के अंदर वर्कर्स के अंदर भी वो जज्बो है आवाम के अंदर भी वो जज्बो है कुछ अड़ा अस दोस्त जो कुछ नाराज हैं उनके भी अस समझा था यह गाल असा साथ दियो अस वायदो था कर असे तहजी जी रंजिशूं असा दूर कंदे या कमिटमेंट था क्यों असा उन्होंने तो असा लाड़काने में लाड़काने मो असाजी एक दफा प्रॉपर सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली में असाजी जो नुमाइंदगी थी तो असा के अड़ा कानून भी पास कराने की कोशिश कंदे जी लाड़काने आवाम के फायदे लाए हुजन बल्कि सिंध की आवाम के फायदे के लिए हुजन आवाम जो मसला हल थन असाजी कामयाबी असो टारगेट असो सुख इन में आ तो अस आवाम के सुख आवाम की जरूरतों आवाम जहा मसला उनके केटर करें आवाम की अस दादरसी क्यों आवाम के उन मंजिल से पुजाऊँ जो अस उन सोचूं था जैमें उनके रोजगार भी मिले जैके उनके सहूलतू भी सिविक सहूलतू भी मिलन उनके एजुकेशन मिले उनके सेहत मिले जेके भी फलाह जहा कम असासी प्लेटफॉर्म तो अस आवाम के खासकर पीएस 11 के हवाले से लाड़कणी आवाम के वो मुहैया क्यों जी सरदार साहब अवान जी बुधायो त बिलावल भुट्टो साहब जन जमील अहमद सुमरो साहब जिनके नॉमिनेट किया लाड़काने के पी एस इलेक्शन 11 के इलेक्शन के हवाले से जैसे तो सोशल मीडिया से ये शूँ डूँ गर्दिश तू कन जो पीपल्स पार्टी में मौजूद दोस्त आन उनके इन शे कुछ एतराजात भी आन गड़ो गड़ यहाँ भी शे कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक्स भी ठाया उन हवाले से जो बिलावल भुट्टो की रिसेंटली बर्थडे मलाई वही बिन बिन मुख्तलिफ़ जगह से पार्टी की तरफ मलाई वही इनके कें पे दिसा पहली गाल तो पीपल्स पार्टी एकड़ी वफाक जी पार्टी आकड़ी एक सजे पाकिस्तान में उन रिप्रेजेंटेशन आ बिलावल भुट्टो सरदारी साहब जो असा जो एक हंध प्रोग्राम क्यों तो मुझे ना ख्याल तो कड़े हॉल में अस पूरा थी से इन लाइ मुख्तलिफ़ मा दोस्त मुख्तलिफ़ अगवान मुख्तलिफ़ जायन से उ सेलिब्रेट कन था वो अंग्रेजी में लवा चब मिसाल दिबो द मोर द मैरियर जेडा घड़ा तेडा भला सो इवेंट्स तो थींदा रहन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश जो एक अमल आल का शुरू थी जैमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर को भी फॉरवर्ड ब्लॉक ना है ये खबरू गर्दिश कन थी तो कुछ दोस्त नाराज हैं नाराज ना बाकी ये मिसाल औलाद के तुम तिलौनो तो उ पा में विढ़ा तो हे मुझो सो हाँ सीट आ जाहिर हर मू इलेक्शन आ ख्वाहिश रख तो मां भी माखे भी नॉमिनेट कर वे मां भी थिया जाहिर अस जैमल भी इलेक्शन थी तो पा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पांजे पार्टी मेंबर्स के चवंदी है तो फॉर्म फिल कर छो जो कदें ऑपोजिशन वारा तुम फॉर्म रद्द भी कराइंदा कदें तुम फॉर्म रद्द थी भी वो तो तक सो सेकेंड कैंडिडेट थर्ड कैंडिडेट फोर्थ कैंडिडेट तक वो हों जो तक सपोर्ट कह जो एक कैंडिडेट वो उनके एतराजात लगी करे उनके साइडलाइन थी करे कोर्ट तो सेकेंड कैंडिडेट तेलेबल हो थे तुम एक कैंडिडेट हो
ऐं साइडलाइन थी वजे फॉर्म फिल न हुजे बेन जो तो ऑपोजिशन के जो सो बिना मुकाबला वो खटी वा सो अस कें मौके न दींदे अस कॉन्टेस्ट कदा इलेक्शन असं उम्मीद था क्यों तो इलेक्शन भरपूर तरीके से थे छो जो मुकाबलो जेस तीन नी तेस इलेक्शन जो मजो नहीं नजर हल्दा एक दफो बी नंढी ब्रेक की तरफ असा सा गुड रहो जी नाजरीन एक दफो बीहर अवान के भलीकार सरदार साहब जी हाँ हालतों के दिसंदे एक बर्निंग इशूज़ पैदा थी वन जी कश्मीर के हवाले से जो इंडिया से हले तो वही कशीदगी उत भी पैदा थी उन गो गु यूनिवर्सिटी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के आसफा डेंटल कॉलेज में जो ही पुरेसरार मौत मिलो है डॉक्टर निवरता चंदानी जो इन क्या ऐसो ये इंडिकेशन्स तो ना मुल्क की सूरत हाल खराब करने की तरफ पहला तो मैं कश्मीर के हवाले से बुधा तो कश्मीर जो तमाम वो बर्निंग इशू आ जो पार्टीशन को वही कर यो कंटिन्यू हलो तो अच्छे भारत जा मजालिम इंसानी मजालिम इंसानी हकूक जी पामालदारी जुल्म बरबरत की इंतहा एकड़ी दुनिया की सभी का वे में वही जेल जेल में भी कैदियों के मानी खुराक तिब्बी सहूलियात की फरहमी लाजिम होंगी उ कश्मीर में भी नी मिले पोयों पे जे 70 साल 72 साल का वही करे यो इंडिया जा ये वॉर क्राइम्स एक जंग में जे कैदियों से जनीवा कन्वेंशन के हवाले से हकूक रखल कैदियों जा ये इतने जंग ना है वो डिस्प्यूटेड एरिया है जैसे कश्मीर ते इंडिया काबज आई जंग जड़ी कैफियत और उतने क्राइम्स था कमिट थन उतने रेप्स था कमिट थन उतने मर्डर्स था कमिट थन उतने टॉर्चर्स था थन उते बॉडीज़ के टुकड़ा करे फिटी था कन तमाम वो अलमियो आ अकवाम आलम के लिए इंसानी हकूक की तंजीमन के लिए यूनाइटेड नेशन के लिए जेके हिमल ताई को भी एक्शन न खड़ी सकियान यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के हवाले से जो उते खुद प्लेबिसाइड जो पांजी असा वो चूंडे सकन तो ईदर वो आज़ाद रहन था चाहन ईदर पाकिस्तान के ता जॉइन करण चाहन इधर इंडिया के ता जॉइन करण चाहन वो कश्मीर जी पांजी पसंद पांजी ख्वाहिश के मुताबिक वो फैसलो वो करण वो हिमल ताई कुछ भी न तो थे अज 50-51 डी बार खीर ना है बुजुर्ग के लिए दवाओं ना तालीम या इदारा बंद कम्युनिकेशन जा सब जराए टेलीफोन इंटरनेट टेलीविजन सब बंद असा इन की पुरजोर मजम्मत था क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौकुफ़ कश्मीर के लिए हमेशा यो रो तो जाते कश्मीर जो पगड़ किरंद उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम जो उते रत किरंद असा इन 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 कश्मीर से कश्मीरी भाईर से कश्मीरी भेनरों से माओं से बुजुर्ग से गडाएं और अस ये कश्मीर जो इशू कदें भी अस मरण न डींदे इंशाल्लाह अज़ीज़ अस गामजन रहंदे असा कोशिशों गामजन रहंदूँ उन हक दियण के करे जे लाए तो इंशाल्लाह कश्मीर कश्मीर के अस पाकिस्तान जो हिस्सो बनाए रहंदे बाकी रही गाल डॉक्टर निम्रता जी वो वो तमाम दिलखराश वाक्य थो उनकी इन्वेस्टिगेशन हले थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निम्रता के सोगवारन से गड़ रही है सजी सिंध में असाजी तकरीबन 3.5 मिलियन 3500,000 35 लख असा कमोबेश
हिंदू बिरादरी जहाँ असाया भायर असानी भेनरू असानी अमड़ियों असाया बुजुर्ग सिंध में आबाद असा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अकलियतन के लिए असाजी जी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जैमें क्रिश्चन्स थिया जैमें हिंदूज थिया या जी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं असा उन्हें हमेशा उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने राइट्स के लिए असा हमेशा एफर्ट कई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उन्होंने एफर्ट कई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा उन्होंने एफर्ट्स कई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब असा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा माइनॉरिटीज़ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर एकड़ो हार्ड स्टैंड रो उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हाँ ये एक अंदोलनाक वाक्य यो सरसद थी वो कड़े तरीके से थो उनकी इन्वेस्टिगेशन हले थी अस इन इशू ते खामोश न रहंदे उन गड गड बया जो अड़ा मजलूम उन्होंने भी को अड़ो वाक्य सरसद न थे अस अल्लाह कदे इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हलन थी पुलिस की टीम्स मुकर्र जुडिशल कमिटीज भी वो सिलसिलो हले तो अल्लाह कदम इंशाल्लाह जो मूल इन्वॉल्व उनके कैफे किरदार तक पुजाइंदा बिल्कुल ही सिर्फ जो मसलो है न सिर्फ निवड़ता जो पाकिस्तान सिंध ला पर बैन अवी सतह से हल पे असो रुगो अकेलियत असो ये तो असो चुनता अस इस्लामिक कंट्री उनमें उनमें नॉन मुस्लिम्स रहता वो भायर बिल्कुल वो असा हिस्सों उसा हमदर्द असा अकेलियत लो अस कृष्णा कोहली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अस धर्म अस सेनेट में अस वी आया असो जो अस माइनॉरिटीज ब्रदर्स अस ताकत अस पाकिस्तान गुलदस्तो है अच्छा सरदार साहब जी तुझा तो एक वही तारीख रही है वहाँ की पॉलिटिक्स के हवा से तुम्हारा बैकग्राउंड जो तक वा हुआ वे भी इन में काफ़ी टाइम स्पेंड कर स्पेंड पर उन गुर्बानी भी उन्होंने दिन जी जैसे बुधा वो तो ज़ियाल हक के दौर में जो पीपल्स पार्टी जो सदाई उनके कोड़ा पे लगता इन टाइम का हाँ तीन जो सो केतरा मुतासर आया मोट मिली है पीपल्स पार्टी के तरफा बिल्कुल मोट मिली है बिल्कुल यो कंसिडर किया बिल्कुल पीपल्स पार्टी की क्यादत के खबर आ पीपल्स पार्टी की क्यादत बल्कि अस लाड़काणे लाड़काणा कंबर शदाद कोट डिस्ट्रिक्ट सजे लाड़काणे के सिंधी मानू के खबर आ जो असि फैमिली की तारीख रही है अस फैमिली पीपल्स पार्टी या फाउंडर मेंबर्स आज पीपल्स पार्टी उन्होंने ज़िया की मार्शल लॉ में न छी मुशरफ के मार्शल लॉ में न छी मां जैमल मोटी आयम इतने तो मुशरफ जो मार्शल लॉ लगल हो नवाज शरीफ आउट थियल हो बहार थियल हो बाकी काफ़ी मूल चवंदा भा पीपल्स पार्टी छोड़ो काफिली जॉइन किया कुछ दोस्त रिक्वेस्ट कई कुछ भायर जोर रखो कुछ सियासी मशीनरी कुछ इंतजामी मशीनरी भी मुझे कड़े लगाई वही जैमें मुझी पाँगी ढंड से जो मां वारिस भी आया मिल्कियत मिल्कियत मालिक भी आया उनते मुझे मतों एफ आई आर भी थी ड्यूटी अटकाव जो सरकारी अमला जाना करे मुझे मत मुझे घर से रेड थिया पुलिस मोबाइल में लाड़काने में अरेस्ट कर खड़ी वही मुझा लाइसेंस वारा वेपन खड़ी गया मुझा मानू खड़ी गया सेशन कोर्ट मुझी बेल रद्द कई मां हाई कोर्ट में वयम हाई कोर्ट में उतो मुझी बेल रद्द थी मां पर सुप्रीम कोर्ट वयम सुप्रीम कोर्ट मां के बेल दिनी मां पंजे एड़ो मुझे मतो केस कयो जो मां जमानत सुप्रीम कोर्ट को वती मुझी पीरजादा जेको जे हफीज पीरजादा जो नंढो भा जिन पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ठाया 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन ठाया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टे साहब से मिलजी करे वो मुझी पीरजादा मुझे वकील हो मुझे काउंसल हो उन एडवोकेसी मुझी कई मां के जमानत वठाए दिनी एफ आई आर में गड़ो गड़ उन एफ आई आर में यो भी थो तो मुझे राइट ऑफ ओनरशिप भी डिक्लेयर थो तो बाबा ये सरकारी शह ना डिग डंड मौरूसी मिल्कियत आ जैसा रिकॉर्ड अस पेश किया 1926 को वठी करे तो बबा ये मौलूसी मिल्कियत वन को हलंदी थी जो इनहेरिट कई 94 में तो 2008 में अची कर इन मतों कि एफ आई आर कर वो
प्रॉपर्टी कीअं था सरकारी ॾियण आहियो जॾहिं त सरकारी कागज़नि में लिखियलु आहे त बंगलोज़ ऑफ शेख जॾहिं तव्हां चओ था सिंध गवर्नमेंट जी प्रॉपर्टी त सिंध गवर्नमेंट प्रूव करे, सिंध गवर्नमेंट प्रूव न करे सघी या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट प्रूव न करे सघियो। सो इहे सियासी केस हुया। मां इहो भुगतियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ हे केस छा मां पंहिंजे रतु ॾियण लाइ बि तयारु आहियां, का ॻाल्हि ई न आहे। अच्छा सरदार साहब, जीअं हाणे ॾिसो पिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां जेको आहे सो 149 एक्ट जेको आहे सो तयारु कयो कराची खे अलॻि करण जे लाइ सिंध खां, उनखे अवां कीअं था ॾिसो ऐं छा जवाबु हूंदो अवांजो फेडरल गवर्नमेंट जे लाइ? साईं हाणे जवाबु मुंहिंजो इहो हूंदो जेको होशमोद शीदी चयो, जेको चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब चयो, उहो मां बि चवां थो। मरसूं मरसूं सिंध न ॾिसूं। बाक़ी हिकिड़ी पॉलिटिकल गिमिक आहे, असां बि हे असां वटि सिविक फैसिलिटीज़ मौजूदु आहिनि, असां वटि इंतज़ाम मौजूदु आहे। इहो हाणे साईं कचरे जी सियासत, गटर जी सियासत, इहो असांखो ज़ोर आहे। इहो भले कनि, इहो बि शौक़ु पूरो करे ॾिसनि। असां पंहिंजो कमु कयूं था, भई हर गुरु रोड़ा अटकाइणु कंहिंजे रस्ते में। हाणे कल्ह बि हले पियो, बसि मां टी वी ते ॾिठो त जेके असां हाणे सिंध गवर्नमेंट एक्टिव थी आहे कमु करण लाइ, त छा कयो आहे माण्हुनि गटरनि जे अंदरि पथर विधा आहिनि। हाणे इहे आम आवाम त कोन कंदी, ज़ाहिर आहे जेके माण्हू जिन जा जेके के मफ़ाद हूंदा, जेके असांखे नाकाम कराइणु चाहींदा। हाणे साईं गटरनि जे अंदरि बि पथर विझण जी का शइ आहे? अच्छा सदा साहब, असांजे व्यूअर्स जे लाइ ऐं ॾिसंदड़नि जे लाइ कोई बि पैगाम ॾियणु चाहियो? सिंध रंग न्यूज़ जी टीम जेको अॼु मुंहिंजो इंटरव्यू कयो आहे, मां ॾाढो हुन मां मुतासिर थियो आहियां। जेका टीम माजिद अली महिराण ऐं सकलैन जी जेका टीम आहे, उन तमामु सुठो इंटरव्यू प्लान कयो, तमामु सुठे तरीक़े सां, तमामु इत्मीनान सां मुंहिंजो इंटरव्यू वरितो। मुंहिंजो एतिरो सुठो इंटरव्यू मां कंहिं अहिड़े कंहिं टी वी चैनल खे न ॾिनो आहे या सोशल मीडिया चैनल खे न ॾिनो आहे। आई एम वेरी मच इम्प्रेस। मुंहिंजी नेक तमन्नाऊं आहिनि तव्हांजी टीम जे लाइ, तव्हांजे चैनल जे लाइ। अलाह कंदो तव्हां अॻिते वधंदो, कामयाबु थींदो। बेस्ट ऑफ लक टू यू। तव्हां ज़मीनुनि सां बि शौक़ु रखो था, उन सां गॾो गॾु पोयां धंधू बि अवां जूं आहिनि जी, त उन तरफ़ बि हलंदासीं नाज़रीन हलंदासीं सरदार साहब जे पंहिंजो ज़मीनुनि जी तरफ़ बि, ऐं उतां जो जेको सरदार साहब जो माहौल आहे उते बि विज़िट कंदासीं। सो वठूं था हिकिड़ी नंढी ब्रेक।
साहब ही जकी ट्रिगर डंडा है या कदे वजूद में आई है इन जो ट्रिगर डंड केड़े कांसेप्ट खा रखे हो अच्छा बेसिकली है जरई जमीन आबाद जरई जमीन है जका 1814 1815 1817 जी बोडन जे करे जमीन पानी जे दरिया जे वकरे जे करे यो एक डिप्रेशन एक जमीन जे को सो यो पानी खाई और लैंड पूरे करे जे को सो फॉर्म थी ओ जो जो वकरे जे करे यो पानी जे दरिया जे वकरे जे करे ट्रिगी डंड जे करे वो ट्रिगी डंड को थी ट्रिगर डंड अच्छा मतलब उन के डिवाइड कर ट्रिगी हो जने के ता ट्रिगी डंड करे उन नालो जे को ट्रिगर डंड पई अच्छा कन्वर्ट थी ट्रिग में अच्छा सो पूरी यो थियो त जी डंड जो एकड़ो वाटर बॉडी फॉर्म थी वही पानी जो एकड़ो थियो सुसलो दवरी सियारे में जेके असा जा मेहमान पखी साइबेरिया वो जेके माइग्रेट करे जेके इंदा है उनन चण शुरू करे छड्यो उन ने खापो शिकार जा सिलसिला शुरू थिया वो यो ट्रिक डंड शिकार जे हवाले सा भी मशहूरी बाकी हाले इनमल मुजी उन में तवील में आए त मां शिकार जे खिलाफ भी आया न शिकार कया न कराया अच्छा हूं सरदार साहब काफी डठो असा न्यू जनरेशन में जेके भी होना सरदार या कोई भी न्यू जनरेशन जनरली वे मतलब शिकार जो काफी शौक रखना है ना छाजे कर मतलब शिकार का अवॉइड था क्यों इन जी का खास वजह को तो मानु जे जेको कंजर्वेशन करे सब एक लाइन सा लगी है शिकार जे लाइक को एकड़ो मानु जे को ने जो बचा करे उन जंगली हयात जो बचा करे जेका नापै थेण वाली शयो इन जेके खत्म थीदर शयो इन ईंदड़ आइंदा जे असा ईंदड़ नस्ल के असा वे घट में घट शयो उन के असा देई वणो ता घट में वे शयो दिसन उन वो रुझान पैदा क्यों तो उन बचाव किया वे उन ब्रीडिंग उन नस्ल अफजाई कई वे अस तो इतना दोस्त असा उन हिदायत में कह तो बाबा थोड़ा हथ हल्को रखो जाते तह 100 पखी मारना है तो 10 मार ये 90 बाकी अजा वा वही 10 मार अस शौक भी पूरा करें नस्ल अफजाई से भी थोड़ा तवज्जो दे अच्छा यकीनन डठो आवा हसास दिल जा भी मालिक आए उन सा गडो गड जी नस्ल जी जे आवा बर्ड्स जो बचान सा गडो गड जकड़ा हसास दिल जा मालिक भी आए आवा जी सुन अल्लाह साईं कितनी खूबसूरत दुनिया ठाई आ वण हैवान हर शय में अल्लाह जी जो सो झलक है हर शय में अल्लाह जी नेमत है अल्लाह साईं वो शय असा के हथ में दिनी वंदा बाबा ये ता संभालो तजरे एकरी शय ता के हथ में मिले थी संभालने लाय असा जो फर्ज आ तो उन के संभाले अच्छा जी अवां सा फ्रेंड्स अचन दा शिकार जे लाए या अवां के पॉइंट ते वणो था उन दोस्तन ना गड जी उन जो शिकार जदे कयो तो ने तवां दा छा गुजरंदी हुंदी ना मां दोस्तन दा शिकार कंदो आ हुआ के चंदा को असा के शूटिंग करा या शिकार करा मां चंदो बा कैमरा खणो कैमरा सा शूट कयो जेको ता के शूट करनो आ बाकी हथियार सा ना अच्छा सर ही जकी ट्रिगर डंड है केतरी एराजी में है या ट्रिगर डंड जी एराजी तकरीबन 4800 एकड़ है इन जी लंबाई माइल्स में तो 5.64 माइल्स आ तकरीबन 5.5 मील वो उनके किलोमीटर में ता कन्वर्ट कंदा तो तकरीबन 9.5 किलोमीटर थी सो ये उत्तर का रखन जो सो ट्रे रोड है एकड़ो रोड आ कंबर दोस्तली रोड एकड़ो रोड आ कंबर हैबीदरो रोड और एकड़ो रोड आ कंबर बेर रोड सो ये ट्रे रोड से को सो ये ट्रिगर डंड की विचो क्रॉस थी है अच्छा मतलब डिवाइड थे है बिन तरफ जी एकड़ो उत्तर साइड आ एक दखर साइड आ अच्छा जाहिर सी गला वहां सरदार वहां काफी फ्रेंड्स एड़ा भी होंदा जे आउट ऑफ कंट्री का भी बिलोंग करना होंदा या पंजे पाकिस्तान का भी त केड़ा वे दोस्त अवां जे ना जगह डंड तई अच्छी चुका है दोस्त मुजा जेके पाजा मुजा पर्सनल फ्रेंड्स न तो काफी आया इन ते बेसिकली जगह सर्वे सियारे में घूमने जे लाए जे पासो तमाम एक परफेक्ट लोकेशन आए बाकी तारीखी हवाले सा इते 1918 में किंग जॉर्ज द फिफ्थ जॉर्ज पंजम जेके चबो आ क्वीन मैरी बका बर्तानिया 1918 में असा वटे ची करे ते बरातू स्टे करे बया सही
पूरी इनकी रेजिमेंट ही सिग्नल रेजिमेंट 22nd सिग्नल रेजिमेंट 22 माना 22 टाइटल आ उनको 22 सिग्नल रेजिमेंट से अची कर इतने इतने स्टे कर बारात में उनका अलावा जो मौजूदा मलका बरतानिया है क्वीन एलिजाबेथ उनको हस्बेंड वो हाल हयात प्रिंस फिलिप उनको नालो आ टाइटल आ उनको ड्यूक ऑफ एडिनबरा वो भी अची कर शिकार कर वो सो उन बाद में जो पाकिस्तान का पाकिस्तान ठहण का अयूब खान जनरल अयूब खान वो 11 साल की गवर्नमेंट में वो तकरीबन पहले साल एक दफा आयो न हर साल ब दफा इंदो हो कदें कदें टे दफा भी आयो सो वो पान सा गड जो सो मुख्तलिफ डिग्निट्रीज मुख्तलिफ मुल्क बादशाह सफीर पान सा गड वठी भुट्टो साहब बेसिकली उनके सो इनवाइट कह इतने सो भुट्टो साहब वॉज पार्ट ऑफ उन कैबिनेट जो मेंबर हो एज अ फॉरेन मिनिस्टर सो इन सिलसिले से ये रस्ता जो सो रहा भुट्टो साहब वे जैमल पान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थो शहनशाह ईरान के दावत दिनई टे दफा वी आयो जो शेख ज़ैद बिन सुल्तान के तो भुट्टो साहब पा भी जो फैमिली के पाँच वी तो शिकार के अलावा मोहतरमा के मीर मुर्तज़ा के मीर शाहनवास के सनम बीबी के ये इनके बेगम नुसरत भुट्टो एज अ पिकनिक कर पिकनिक पॉइंट लाइ ये वी फैमिली के बोटिंग कंदा पाँचों एक यू नो इवनिंग टी शाम की चाय सो वो शिकार के अलावा उनको पाँचों पर्सनल आउटिंग करने लाए सो वो भुट्टो साहब वी फैमिली के भी तो ये सिलसिला हलंदा रहा सो वरी भुट्टो साहब की शहादत का अस पान भी इन शे के महदूद कर शिकार तो भी थी रहा पर एतरा एतरे वे उन पैमाने न मतलब महदूद महदूद लिमिटेड के बाबा जा के फ्रेंड्स अची वे या कोई अड़ा जो सो कें बाबा के कें रिक्वेस्ट कई इनफैक्ट एक मार्ट फोटोग्राफ आए 1952 जो जैमें असो पीर साहब पगारो अगो मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे साईं जैमल आयो तो असो खान बहादुर अयूब खोड़ो साहब वो साईं जन के वी आयो साईं जन जैमल इंग्लैंड में वापस आया सो उन मतलब वो फोटोग्राफ है जैमें पीसा पगार के दाढ़ी मुछू भी ना मुझे दादा साईं सा वेठो वेरी तमाम ब्यूटिफुल मुझे दादो भी जो सो दादा साईं भी वो यंग यू नो 15-16 साल की एज जो साईं भी 15-16 साल की एज जो वो फोटोग्राफ भी है वो भी ताके मां दिखारी दस अच्छा सरदार साहब जी ये डिठी हुई आ त केड़ी वैली टाइप सोणी त ठहल है पर उने सा गडो करे एकड़ो डेंजर भी लगे भई चाहे एनिमल्स जेके हुंदा है डेंजर एनिमल्स वे बेते डिठा बनन था चाहे त इते जका जका लोकल जका माना जका जानवर मौजूद है उन में ताके गिदड़ बकेड़ ए यो जको सो खंजीर ए ये तो थे चौपाया जानवर जो या पानी जो बिला बाकी पखियन में सो मुख्तलिफ़ किस्म की सो माना ये बदकुन की जिन्स थी उलायू साइबेरिया में सो मुख्तलिफ़ सो किस्म जहाँ पखी इंदा इतने जो मौजूद है जो लोकल पॉपुलेशन है जो लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है परिंद की वो उनमें कारो तितर बगड़ो तितर वो भी है सेड़ भी कें दौर में होंद इतने पर हाँ वो नापैचो थी वह मानुन के एक्सेस हंटिंग के करे पर हाँ माँ जो कंट्रोल किया हाँ मैं पा जो सो जंगली सेहण की पॉपुलेशन छी आ सो अला कद वा भी सूह है जी जी। सरिये जी डंडा मां बुधाई डिग डंड काफ़ी लंबाई में भी है वही उनाई बुधाई हम चाहे ये डंड जी अवान के वर्से में मिलल है या ये जनरेशन बाय जनरेशन रेफर थी अचे इनकी हिस्ट्री है
एक्चुअली ढंड तो असि गडियल मोरूसी मिल्कियत फैमिली की सो पर जो यहाँ पगदार के हैंडओवर थी पग में अस जिम्मेदारी समझी कर संभालूँ था नेक्स्ट जनरेशन के असो हैंडओवर कर सकूँ इन लाइ दिलो जान से मेहनत क्यों था इनके डेवलप करने की कोशिश क्यों था जितो है अला सख्त दिनी इनके मछी भी छद्यूँ था हथ की पैर तो मैं परचेज कह पर माशाला ठंड की एराजी के हवा से परचेज कॉस्ट इफेक्टिव न पवी जितने पैसों में मछी मैं परचेज कह उन अत पैसों में मैं हैचरी लगे छी उनी मछी की ब्रीडिंग कर बच्चों पैदा कर सागो ठंड में लाया सरदार साहब फ्रेंड्स भी अच्छा गिफ्ट भी है मछी जो बिजनेस भी कर बिजनेस ज़ाहिर है इंसान के जमींदार मानू आया बो ना को फैक्ट्री आ ना को दुकान आ यह जमीन है जमींदार हूँ शेख तक जो असो इन लाइ आ छवी देवन में चार तालखन में हाँ तो ज़ाहिर है फैमिली वधंदी वही वधंदी वही श्रिंक थी वही पर शेख तक तो बरकरार आ सो ज़ाहिर है बिजनेस तो असो सरो सावड़ी में तो अस खूँ था फसल उनका गडो गड मछी भी जो पा इंट्रस्ट आो इंट्रस्टिंग कम आ इंट्रस्ट क्या तो बने भी थी गाल दोस्तों के लिए भी थे तो पांजे लिए भी थे तो रोजगार भी थे तो वरी इन सजे सिलसिले से मीरपर मोहाना मीरानी कम्युनिटी आ भी वो भी असर भाई हैं उन हर हर कें रोजगार पतल आ सो अल्लाह जैमल खाराए तो कें तो उन एक गिरे में सभी जहाँ घणन जहाँ जो ऐसा होंगे तो असा विसला कर पंड विरासत जो रखा था ये मतलब ता नॉलेज भी रखो तो मछी जवल से ये सिस्टम जो को सीजनल ला या मतलब कहीं भी टाइम है ता उन जिला एक्चुअली असा सियारे में मछी जी जो जरूरत डिमांड घणी होती है वो मछी असा कटराइंदा भी सियारे में और गर्मी में छाए ता जो सो मछी ग्रोथ जी टाइम होती है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनके जो सो गर्मी खपे मानी हजम करने में कद बधाने में तो वो ग्रोथ के सीजन में असा उनके न कह सियारे में छा थी मछी खाण भी घट कर छी और उनकी ग्रोथ भी नी उन सीजन में असा उनके कड़ी अस मार्केट में सप्लाई कहता है हलो गेस्ट हाउस से उत वही चाय भी पियूं वधीक कचहरी के कंटिन्यू कयूं
सरदार साहब जी जगह जो सो डंड दिखारी उन गडो गड एक कें राइटर एक लेखक जो किताब भी है कंबर एक अभ्यास यकीन अवान जो किताब है अवान जी तारीखन सा मुंसलिक है उन मुताबिक अवान बुधान चाहिंदा असन के कुछ जी बिल्कुल कंबर एक अभ्यास वो तमाम हिमल माके राइटर जो नालो माके नथो अचे जहन में सो उन कंबर के हवाले से मुख्तलिफ़ जो कबायल और कम्यूनिटीज हैं रहवासी जो मौजूद हैं उनके बारे में मेंशन कयो आए सो असांजी फैमिली के बारे में भी उनमें लिखल खास कुछ गालियों जो मुख्य हेमल जहन अशी अचन थी काफ़ी कुछ लिखल अतन पर 1930 जो जिक्र उन किताब में है जिमें खान बहादुर कायम खान शेख खान साहब मिठल खान शेख एक वो भाव एक नो भा तकरीबन 160 मानुन के हज के लिए पान सा गड जो सो पां खर्च से वी उन सिलसिले में बॉम्बे को वह शिप स्टीम इंजन शिप SS रहमानी वह बुक कराया जेका कराची डॉकयार्ड तो उते डॉक थी उतो वरी पैसेंजर्स के खयो सऊदी अरब जलाए सऊदी अरब में पुजी करे हज जा फराइज भी अंजाम दिना और खाना काबे जे बाहर मुसाफिर खाना बैतुल खला उए ठहराया खान बहादुर कायम खान खान साहब मिठल खान शेख मस्जिद नबी व्या उते कालीन लगराएं तो मानून जे पेरन के गर्मी जे करे जो सो पेर न सड़न सो सऊदी बादशाह की खबर पई जो मौजूद हो वो उन्होंने बुधाया से केर आया है चीन सिंध मो शेख आया है उन्हें के घुराएं दावत मेहमान करे शाही महल में डिनर जो भी एहतमाम थियो पूरी नेक्स्ट डे खाना काबा जे अंदर मनी करे उनके खाना काबा जो अंदरों दीदार उनके वठाया सो यो वो एजाज आ असाई फैमिली के लिए असाजे वडणन जे माना उन वडणन जे उन सखावतूं उन वडणन जी चंगाइयूं अल्लाह जी उन ते मेहरबानी और उन जी इन चंगाइयूं जी मेहरबानी असा ते खान साहब मिठल खान त वो भी एक सुठी तबीयत जो मानू हों पर जो वडो भा खान बहादुर कायम खान वो सखी मुड़स हो सखी माशाल्लाह असा सखावत असाए खानदान में या मुंतकिल थींदी थी अचे सो खान बहादुर कायम खान शेख के खान बहादुर सखी कायम खान शेख भी चाहे वो हालांकि यो इन किताब में ही लिखल आ जने सल्तनत उस्मानिया टुटे पी ये खिलाफत मूवमेंट जो सिलसिलो हो कें मुल्क न बल्कि खान बहादुर कायम खान शेख इतों फाइनेंशियल एड मोकली तुर्की के अच्छा उन टाइम की गाल जी उन टाइम की गाल सो चंगा जहा कम तो उन्होंने करण को कदें भी जो सो आर ना आया उन्होंने सो जैसे जिथे मौको मिलो जड़ी टाइम मिलो मौको चंगा जहा कम उन्होंने कया असा तक हैरत थी त असाजे गोठ में जो वो गोठ अस उन चवंदा जो वो खान बहादुर कायम खान के वालिद साहब है ना वे नूर अहमद खान के नाले से है मुझे वालिद साहब के नालो भी नूर अहमद खान है तो ते बुधा तो 1899 में असाजे गोठ में स्कूल की बुनियाद रखी हुई जै तरीके से असाजे गोठ की घिटियों और रस्ता ठहल वो तक ये लगन जन अज जो शहर
उनमें घिटिन की सिधाई घिटिन जा चौक मुकाम की पोजिशन गोठान गोठ के मुकाम की पोजिशन चार कुंडन ते पांजा बंगला वरी विच ते पांजो बंगलो तो जी को गरीब गुरबो आ या हारी तबको आ या कुड़मी तबको आ या को अड़ो मानू जो बहरों पोरियत लड़े कर अची अस गोठ में वे तो चार ही पास को असाजा घर असि हवेली हुजन तो हो विच में वे और विच में भी हवेली हुए तो उनके महफूज महसूस करे पान के वन की नजरू वी हुई वसी हुई बिल्कुल सो उनको ये नेकिन की छाव में अस भी हिमल हलूँ था बिल्कुल। अच्छा सरदार साहब जी असो है अवं के टे जो लकब्स मिलल टाइटल्स जी जी उन में सरदार साहब खान बहादुर सर उन हवाले से कुछ अस नाजरन के बुधाइंदा हलवा पग जो टाइटल तो पा सरदारी जो पग जो पाँच टाइटल है वो तो फैमिली को इनहेरिट तो अच्छे जी जी बाकी ये यो हो तो जे नोटेबल्स हुआ और ट्रू नोटेबल्स जेन्युइन नोटेबल्स जी जी यो सिलसिलो जो टाइटल्स जो सिलसिलो आ यो 1857 की जंग का पो जैमल अंग्रेजन हिंद और सिंध ते पांजो रूल पांजो एस्टैब्लिश कयो काबिस्तिया रूल एस्टैब्लिश कयो उन्हनि जो उन्हनि वधीक मज़ामत के रोकण के लिए तो लोकल्स जेके हुया जेके नोटेबल्स हुया और जेके समझन पिया तो ये रिजिस्ट कंदा असां के अगते भी वणंदा उन्हनि के पांजे गवर्नमेंट या पांजी जेको आ सो उन्हनि जी एकड़ो सेटअप में आणण लाए उन्हनि ये टाइटल्स दिना तो असांजी वधीक मुखालफत न थे छो जो असांजा वॾा मियाणी जंग में हितों कंबर मों वही करे तालपुरन सा मिली करे अंग्रेज के खिलाफ विड़िया सो आइंदा जी बगावत रोकण का उन्हें पांचे दायराकार में जो सो आंदो वो जो मुसलमान जो हुआ उनके खान बहादुर जा लकब मिलया खान साहब जा लकब मिलया जी गैर मुस्लिम हुआ उन्हें राय बहादुर राय साहब जा लकब मिलया और असांजी फैमिली उन चंद फैमिलीज में आए जैसे खान बहादुर खान साहब ए सर जो लकब आए जी तो भुट्टो साहब के वालिद साहब के सर जो लकब हुआ सर शाहनवाज सदाइब उनके ये जो सो इन सिलसिले करे भी भुट्टो फैमिली से पॉलिटिक्स का पैर जी असाजा फैमिली मरासिम सो वो जी तरारू में तक दिखार तरारू भी उड़न की तरारू हैं जो असा के वो सिलसिलो वे नूरमत खान की सो उसका पग जो जैसे पग या वर अचन था खानदान में वो या ड्रिग भी उन हवाले थी थे एज अ अमानत जो तरार भी एज अ सिंबल वो जो हैंड ओवर थी थे। अच्छा सरदार साहब जी अवां जा ब भावर ब्या भी आन माशाल्लाह वडा ता ही आयो पंजे फैमिली में अवां में खास वा केड़ी जको सो सलाहत अवां जे वालिद साहब दिसी करे पग ऐं इन सां गडो गड जेके हुयूं अवां जो तारीफ में दई छड्या सब लकब हाणे अर्ज़ी हो न त वालिद त वालिद आ बेशक नंढो ॿार ॿार पंहिंजे वालिद सां कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे त इहो सम्झी करे कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे त वालिद के खबर न पवंदी पर वालिद के खबर पवंदी आ कूड़ गाले तो या शरारत करे तो पर वो पान के नाजान करे जो सो नंढे बार की गाल मनी इंदो इन लाए तो उनके खबर होंदी उनकी औलाद होंदी कदें भी इन शे की घुर न कई न मुझो अड़ो को ख्याल हुयो पर ये वन की नज़र है का अड़ी शे उन्होंने महसूस कई जो ये जिम्मेवारी मुझे मथों उन्होंने पानी हयाती में मखे हवाले कई अल्लाह साईं बाबा के जिंदगी सेहत दे वडाइन उन्हें जी छाव असां ते हुंदी ता असां के बिन तकलीफुन को असां परे हुंदासे
सो उन्हें जी मेहरबानी है मां वधिक अच्छा तो चीज सका सरदार साहब जी डठो अवां ते पॉलिटिक्स जो जिम्मेवारियां हैं पंजो एग्रीकल्चर फॉर्म्स जे कन वे अवां जे हवाले ने काफी ब्यू सारी मसरूफियातूं बयान ता के एठी टाइम एडी शयो मैनेज कर दुखियो नथो लगे एकड़ा सोशल वर्कर भी आयो अवां उन सा गडो गड यो अमर जी दुआ है माके तो थकावट माके न थिंदी आ अच्छा तो थकावट न थिंदी आ पयो कम कंदो रहंदो आया वो करण वाली जात अल्लाह जी आ अल्लाह मदद करे तो अमर जी दुआ बाबी जी दुआ और सच्चाई सा खुलूस सा नेक नीति सा मां बिस्मिल्लाह करे कम शुरू कंदो आया बस अल्लाह मदद कंदो आ कम शुरू भी थी वेंदा आहिनि मुकम्मल भी थी वेंदा आहिनि और थको भी न थींदो आहे ख़ुशी जो मुसरत जो बि अहसासु रहंदो आहे सरदार साहब वॾी अव्हांजी महिरबानी अव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं असांजे व्यूअर्स जे लाइ ऐं ॾिसंदड़नि जे लाइ कोई बि पैगाम ॾियणु चाहियो हिकिड़ो नंढिड़ो मैसेज आहे पंहिंजे लाइ त सभु कोई जीए थो थोरो ॿियनि जे लाइ बि जीअणु सिखो नाज़रीन ही हुआ सरदार मोहम्मद नवाज़ शेख साहब जन असांखे टाइम ॾिनो ऐं यकीन अवां साईं जन जी ज़ाती ज़िंदगी ते नज़र विधी ऐं हीअ जेके साईं जन हुआ हिकिड़ा सियासी हुजण सां गॾो गॾु समाजी बि शख़्स हुआ जंहिंजी ज़िंदगी जेकी ॾाढी बहितरीन ऐं हिकिड़ी जनरेशन जे लाइ वक़्फ़ करण जे लाइ बि ॻाल्हियूं ॿुधियूं अवां ॿिए दफ़े वरी हिकु नए महिमान सां गॾु हूंदासीं तेसिताईं इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़